नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हो जाता है ना, वो है आपका फ्यूल कंजम्पशन का। जैसे कि अगर आपका 10-11 के आसपास अगर आपको माइलेज मिले और पेट्रोल आप बढ़ाते हो, तो आपको मतलब सोचना पड़ेगा। जिसके वजह से CNG को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गई है मार्केट में, जैसा कि आपको पता है। और आने वाले टाइम में हर कंपनी कोशिश कर रही है कि CNG के मार्केट में वो उतरे, और अपने जो भी वेरिएंट उनके पास अवेलेबल है, मॉडल जो भी अवेलेबल है, जैसे मारुति के अगर पास चलते हैं तो स्विफ्ट है, सेलेरियो है, इग्निस है, आपका वेगनार है, ऑल्टो है, ब्रेजा है, या टाटा के पास टियागो, टिगोर, पंच, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, मतलब जो भी आपका मतलब कंपनी है और जिनके पास वेरिएंट अवेलेबल है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि CNG के मार्केट में भी वो लोग एंट्री करने का। जैसे टाटा ने टिगोर और टियागो के साथ एंट्री कर लिया है। अब नेक्स्ट प्लानिंग चल रही है टाटा पंच की, जहाँ तक हमें पता चला है। और टाटा मोटर्स ने एक डिसीजन लिया है कि वो हर समय कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ गाड़ी लॉन्च करते रहेंगे। मतलब उनका टारगेट है कि हर साल 2 गाड़ी तो लेके आना है। जैसे कि आपको पता है कि टिगोर और टियागो के बाद जो नेक्स्ट प्लानिंग हो रही है वो है अल्ट्रोज की ईवी की। तो अल्ट्रोज की ईवी की जो आपका नेक्स्ट प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि मिड में या आपका एंड तक आ जाना चाहिए। लेकिन अब सबसे ज़्यादा अटकलें कहाँ लगाई जा रही हैं कि टाटा पंच की, एक तो डीजल और टर्बो दोनों की रिगार्डिंग बात हो रही थी, अब बात आ रही है CNG की भी। टाटा पंच की CNG, जहाँ तक मुझे लगता है और जितना इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिल पाया है, उसके बिहाफ से मुझे लगता है कि टाटा पंच का CNG आने में अभी टाइम है दोस्तों। हाँ, रीज़न बेस्ड क्या है कि अभी गाड़ी सब काफ़ी सारी लाइन में है। जैसे कि आपको पता है कि टाटा नेक्सॉन की ईवी भी मॉडिफाई होकर आने वाली है, और उसका भी अगर हम देखें टाटा नेक्सॉन की, तो उसका जो आपका रेंज है उसको काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बार लगभग सुन रहे हैं 350 से 400 के आसपास आपका रेंज टच कर देगा, जो कि पहले आपका 250 से 300 के आसपास रहती थी। कंपनी क्लेम जो भी करे, लेकिन आपका जो मेन टारगेट ओरिएंटेड पॉइंट है ये यही है कि कंपनी कोशिश कर रही है कि वो हर साल 2 से 3 प्रोडक्ट अपनी मॉडिफाई करके लॉन्च करे। जैसे टियागो, इन सब की हमने देखी अभी CNG आई है। तो उम्मीद मुझे जहाँ तक लगती है कि पंच में अभी थोड़ा टाइम है दोस्तों। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत CNG इसकी मिलेगी, लेकिन अगर आपको CNG चाहिए तो मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा सा इसमें जाना है, सेदान में जाना है, तो टिगोर में आप जा सकते हो, और अगर हैचबैक में रहना है तो आपके पास टियागो तो ऑप्शंस है ही। तो दोस्तों मतलब देखो, कोलकाता जैसे शहर में भी इतना कुहासा है, क्योंकि काफ़ी आउटर आया हूँ मैं आज। लगभग मुझे लगता है अप्रॉक्स 20-30 किलोमीटर से दूर आया ही हूँगा मैं। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।